बीजेपी के मोर्चा प्रकोष्ठ के नव नियुक्त पदाधिकारियों की अहम बैठक भोपाल में हुई, जहां सबको काम करने के टिप्स दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार में ओबीसी समुदाय को सरकारी भर्तियों व परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू करने, इस वर्ग की 50% से ज्यादा आबादी तक सरकार के इस फैसले को पहुंचाने पर जोर दिया और जनता से जुड़ाव के टिप्स दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। बैठक में सभी मोर्चे के सोशल मीडिया और आईटी टीम के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर संगठन के कामकाज और पार्टी के आगे के तय कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियों के बाद 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की यह पहली बैठक थी। इसमें उपचुनाव और स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। जिस तरह से कांग्रेस अब सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय है, उसे देखते हुए बैठक में आईटी सेल और सोशल मीडिया की टीम के साथ आगे की रणनीति पर भी बात हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी को काम करने के तरीके बताए और कुछ टिप्स दिए। उन्होंने साफ कहा, राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार ने ओबीसी समुदाय को सरकारी भर्तियों व परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू करने, इस वर्ग की 50% से ज्यादा आबादी तक सरकार के इस फैसले को पहुंचाने पर जोर दिया। हमारे सभी नव गठित मोर्चा और प्रकोष्ठ मोर्चों की सभी कार्य समितियाँ और प्रकोष्ठ के हमारे संयोजक, सभी प्रदेश के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक अभी एक सामूहिक सत्र संपन्न हुआ है और अलग अलग मोर्चों की बैठकें भी हमारी अभी शुरू हुई हैं। विशेष तौर पर मोर्चों के गठन के बाद हमारा काम उन सबने अपनी अपनी वर्ष भर की कार्य योजना के बारे में और हम क्या क्या काम करेंगे, इन सारे मुद्दों पर, जो हमारा संगठन का पर्व है, संगठन के इस पर्व में अपने काम के विस्तार और अपने काम के सुदृढ़ीकरण के लिए मोर्चा और प्रकोष्ठों की अपनी जो भूमिका है उस पर चर्चा आज सामूहिक तौर पर हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे वरिष्ठ सभी आज कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहे हैं। अब अपना मोर्चे अपनी अपनी रणनीति की तैयारी काम अभी उनकी बैठक अभी चल रही है, तो इस दृष्टि से आज खास तौर पर सभी मोर्चों को सामूहिक तौर पर आज बुला करके उनकी आगामी रणनीति तैयार भारतीय जनता पार्टी ने की। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी, वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।